फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। आज है भाई दूज और सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ। बजे हैं 8:30 और शुभ अभी सो रहा है। और मैं इतनी जल्दी इसलिए तैयार हो गई हूँ क्योंकि भाई दूज की पूजा करनी है और सामने चाची जी का घर है। चाची जी तो इस टाइम नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जो है दीदी लोग, सब लोग और पूरे मोहल्ले के लोग आते हैं काफ़ी, तो वहाँ मिलके हम लोग पूजा करते हैं भैया दूज की। तो मैं एकदम तैयार हो गई हूँ। तो मैं देखिए, मैंने ये पहना है कुछ इस तरह से। अभी मैं पूरा बैक कैमरा से दिखा दूँगी। और मैं जा रही हूँ अपनी प्लेट तैयार करने, क्योंकि 9 बजे के अंदर अंदर पूजा कर देते हैं और 8:30 हो ही चुका है। तो मैं थोड़ी सी घर में भी पूजा करूँगी और उसके बाद मैं अपनी प्लेट सजाऊँगी, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज नीवी भी आएगी और मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन भैया की तबीयत बहुत ख़राब है। वो नहीं उठ पा रहे हैं इस टाइम, तो होप सो जल्दी ठीक हो जाए भैया। और दीदी कर रही है पूजा। दीदी का ये पूजा शुरू हो गई है और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो बस मैं वहाँ से पूजा करके आऊँगी, फिर मैं जाऊँगी अपने भाई लोग को टीका करने। और एक भाई का जो है वीडियो कॉल पे टीका हो जाता है, वो तो सबको पता ही है। तो बस यही सब चलता है। तो पूजा का ब्लॉग मैं अलग से दिखाऊंगी आपको, तो पूरी पूजा कम से कम आ जाए, नहीं तो ऐसे ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और शुभ अभी तक सो रहा है, इसको नहीं उठाया है क्योंकि अभी टाइम है नीवी के आने में और खुशी भी नहा रही है, तो जब तक उठा देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और सबके जो है भाई की लंबी उम्र दे भगवान इस भाई दूज पर, और सबको भाई दे, जिसको भाई नहीं है उसको भाई दे। तो यही शुभकामनाएं हैं मेरी, और मेरे भाई की भी लंबी उम्र करे, मेरे सारे भाइयों की। तो फ्रेंड्स बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है लखनऊ की प्रसिद्ध चिकनकारी का सूट जो मैंने पहन रखा है। बहुत फेमस है लखनऊ में चिकन की कढ़ाई, तो बहुत सुंदर लगते हैं। और ये चिकन का शरारा है, कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ा मैंने ऊंचा करा है क्योंकि ये गंदा हो जाएगा इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। ये है मेरे भाई की पूजा, क्योंकि भाई बहुत दूर रहते हैं, तो मैं लोटे को तिलक कर देती हूँ, लोटे जल भर के, और जो है मैं तिलक कर देती हूँ यहीं से, और उसके बाद मैं सबको तिलक करती हूँ। तो ये है मेरे भाई और मैं लगा रही हूँ टीका। दीदी उधर मंदिर में पूजा कर रही हैं और मुझे बहुत जल्दी है जाना था पूजा करने, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और अब मैं लगा रही हूँ पूजा की थाली। तो देखिए पूजा की थाली में हम लोग क्या क्या लगाते हैं। तो पूजा की थाली में रख लिया है धूप बत्ती, रोली और चूरा, गट्टा, मिठाई और अक्षत, यही सब रखते हैं पूजा की थाली में, और रुई। तो ये सब रखते हैं और पूजा की थाली हो गई है तैयार। और पूजा का वीडियो तो मैंने अलग डाल दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, पूरी पूजा का वीडियो वहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे पूजा का वीडियो नहीं दिखाऊंगी आपको। हम आ गए हैं अपने भाई के यहाँ, मासी के यहाँ, छोटा बाबू के यहाँ टीका करने। खुशी भी आई है साथ में, आ गई खुशी। ये नोनू तैयार बैठा है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। नोनू के लगने जा रहा है टीका। नोनू बैठ गया चौके खाने के लिए और देख रहे हैं कि मेरे क्या हो रहा है। बड़ा टीका लगाओ कि छोटा? जल्दी लगाओ। नहीं लगाना, जल्दी लगाओ, नहीं बड़ा छोटा। उसमें भी तो वही है, बंद कर दू, फेंक दू मैं ये, फेंक तो बोल रही हूँ, डांट भी रही हूँ, एडिट हो जाएगा। कितना हैप्पी बर्थडे है। तो ये मिला है मुझे शगुन।
नहीं कैसा है अपना क्यों तो आया है गर्मा गर्म खाने जा रहे हैं नाश्ता और ये कर रहा है शैतानी फूफा जी को मार मार के भाग रहा है और हम और मेरा भाई बना रहे हैं रील्स तो हमारी रील्स आप लोग इंस्टाग्राम पे देखना जाके मजा आएगा इंस्टाग्राम आईडी है परमजीत कौर 1985 12। तो यहाँ पे शुरू हो गई है मेहमान आना यानी कि हमारी नंदे सब आना शुरू हो गई है सबसे बड़ी वाली दीदी आई है 11:30 और मैं होके आ भी गई और दीदी लोग मेरी अब स्टार्टिंग हुई है शुरुआत हुई है देखिए कौन कितने बजे आता है ये लोग ऐसे ही हैं लेट लतीफ़ वाले और मैं देखिए 11:00 अपने घर आ गई सब कुछ करके क्या बोला आपने दोनों माँ बेटी एक कुंटल के हम एक कुंटल की एक कुंटल अपना बड़े हल्के फुल्के हमको बता रहे हैं चुप्पू को तो मिले चुप्पू टीका लगाओ उसको टीका लगाना है अभी व्रत ओफो बड़ो वाली फीलिंग आ रही है रुमाल रख दो रुमाल नहीं पकड़ी ना चलिए तो ठीक है मेरी दीदी आई नहीं है पैसा ला ठीक है 10,000 रुपए गुल्लक गुल्लक पूरा गुल्लक दे देगा उठा के ना 10,000 रुपए गुल्लक दे तो उठा के ये है शुभ की फोटो और ये शुभ की फोटो भैया ने तो फ्रेंड्स मेरी सासू माँ भी आई है बहुत दिन बाद और इनको बहुत प्यार आता है जब मैं इनसे मिलती हूँ तब अंदर है कहाँ से ऐसे प्यार नहीं आता मम्मी जब दूर रहती हो और जब पास आती है तो भगवान जाना तो बेटा मम्मी आज ये बताओ तुम्हारी कितनी बहुएं हैं चार बहुओं में सबसे अच्छी बहू कौन सी सब सबसे हर काम ढाकर हो हर काम हर मुसीबत तुम उठा सकती हो अच्छा हर मुसीबत तुम साथ दे सकती हो अच्छा। अब यही रुकोगी ना दवाई आज जागरण रहे बेटा जागरण मम्मी अच्छा तबीयत ठीक है अब तबीयत ठीक है अब तबीयत का दवाई दीदी खाए अच्छा मम्मी की तबीयत खराब रहती है फ्रेंड्स तो इसीलिए ना वो वहीं पे रहती है क्योंकि उनका डॉक्टर वहाँ पे पास में है और दवा वगैरह की सुविधा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट सुबह क्योंकि रात बहुत हो गई थी और सब मेहमान आ रहे थे और जा रहे थे और हमारी एक प्यारी दीदी नहीं आ पाई हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है तो वो नहीं आ पाई हैं तो ये लोग गए थे बाकी टीका करवाने और भैया की तो तबीयत खराब है ही है भैया अंदर आराम कर रहे हैं तो नीवी रुक गई थी क्योंकि नीवी को लेट हो गया था और ये लोग दोनों लोग शैतानी कर रहे हैं बैठ के तो हम लोग अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए सबको बाय बाय।